बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन हिट स्टोरी के साथ मैं हूं शमशाद मांगट। नाज़रीन, हमारी कोशिश है कि हर इदारे में होने वाली करप्शन को बेनकाब किया जाए, उसकी निशानदेही की जाए, ताकि इदारे के जो जिम्मेदारान हैं उस पर कोई नोटिस लें और करप्शन जो है वो कम हो सके। लेकिन ऐसा होने की बजाय करप्शन वैसे पहले से भी ज़्यादा बढ़ती चली जा रही है। इवन आपने देखा कि इमरान खान का बयानिया भी करप्शन के ख़िलाफ़ है, लेकिन इमरान खान के दौर में भी करप्शन जारी थी और अब तो आखिरी हदों को छू रही है मौजूदा दौर में जो करप्शन है। हमने गुज़िश्ता रोज़ CDA के एक जो DG इन्फोर्समेंट हैं शाहजहाँ साहब, उनके हवाले से एक प्रोग्राम किया था, बताया था कि वो किस तरीके से करप्शन कर रहे हैं। उनके बारे में कहा जाता है कि वो बहुत ही दीदा दलेर के साथ जो है वो करप्शन करते हैं। इससे पहले वो जहाँ भी जाते हैं वो करप्शन का एक नया जहाँ वो बात कर लेते हैं। CDA में आने से पहले वो डिप्टी सेक्रेटरी वजारत दाखिला थे, वहाँ से वो डेपुटेशन में CDA में आए। लेकिन आपको ये भी बताना ज़रूरी है कि वो जब डिप्टी सेक्रेटरी वजारत दाखिला थे तो उस वक्त भी उनका करप्शन पे बड़ा ज़बरदस्त हाथ बैठा हुआ था। वो अपने नैब कासदीन के ज़रिए उन्होंने अपने ठेकेदार रखे हुए हैं ज़ाती दुनियावियत के। नाज़रीन, एक अंदाजे के मुताबिक उनके ज़ाती ठेकेदारों की जो तादाद है वो इस वक्त 100 से तजावज़ कर चुकी हुई है, और ये ठेकेदार जो हैं उनके हर शोबे में मौजूद हैं और उनके साथ इनका तय है कि काम ये लेके देते हैं, फिर उनके साथ मालो मुता अपना घर जाके तय कर लेते हैं या किसी बाज़ार में बैठ के, मतलब है कि उनके साथ उनसे अपना हिस्सा बकदर जुस्सा जो है वसूल कर लेते हैं। जब ये डिप्टी सेक्रेटरी दाखिला थे तो उस वक्त भी ये अपने नैब कासदीन के ज़रिए फाइलें जो हैं, जो ठेके की फाइलें थी, मुनव्वर शाह जो मेम्बर हैं उनको भेज देते थे और उनसे मंजूर करवा लेते थे। और एक मामला उस वक्त ये हुआ था कि ये लेन देन के मामले पर फाइलें इनकी रुक गई थी, फिर ये दोनों के दरमियान जो है वो मामला तय हुआ, तय होने के बाद जो है फिर वो फाइलें क्लियर हो गईं। तो नाज़रीन, आज मैं आपको एक स्टोरी जो है इसी हवाले से बताना चाह रहा हूँ ताकि आपको पता चले कि CDA में किस लेवल पे करप्शन होती है। मैंने आपको ये भी बताया था कि OIC कॉन्फ्रेंस जो हुई थी और उस वक्त चेयरमैन आमर अहमद अली साहब थे, OIC कॉन्फ्रेंस जो इस्लामाबाद में हुई उसमें शुबा इलेक्ट्रिक ने अपने जुस्से के मुताबिक, अपनी हैसियत के मुताबिक करप्शन की थी। उसमें भी हमने निशानदेही की थी कि वहाँ के जो जिम्मेदारान हैं उन्होंने बजाय के 50 रुपए की लाइटों की एक लड़ी मिलती है वो उन्होंने 500 रुपए दे के किराए पर ली थी एक हफ़्ते के लिए, ये वहाँ की करप्शन थी। लेकिन मैं आपको बताऊँ कि OIC कॉन्फ्रेंस के लिए 15 करोड़ रुपये का ठेका मंजूर हुआ था कि पार्लियामेंट की तज़ीनो आरइश की जाए, तो उस पार्लियामेंट की जो तज़ीनो आरइश पे जो खर्चा होना था वो 15 करोड़ रुपए मंजूर किए गए। लेकिन मौसूफ जो DG इन्फोर्समेंट है, जिनका नाम मैंने आपको बताया शाहजहाँ, जो करप्शन का एक जहान है और उन्होंने करप्शन का जहान आप यहाँ पे डेपुटेशन पे आके आबाद किया हुआ है। लेकिन साथ साथ मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि मौसूफ यहाँ सैनिटेशन में आए थे और वहाँ से उनको पता चला कि ज़्यादा माल इन्फोर्समेंट में है, वहाँ पर चले गए और अब उनकी कोशिश है कि वो डिप्टी फाइनेंशियल एडवाइज़र के अहदे पे कब्ज़ा जमा लें ताकि माल ही सारा अपने पास हो और वो अपनी मर्ज़ी से माल की तकसीम कर सकें। तो नाज़रीन, बताना ये मैं आपको चाह रहा हूँ कि 15 करोड़ रुपए पार्लियामेंट की तज़ीनो आरइश के लिए मंजूर हुए, लेकिन DG इन्फोर्समेंट शाहजहाँ और उनके साथ उनका भरपूर साथ दिया मुनव्वर शाह ने, और ये जो है वो 50 करोड़ रुपए तक उसको ले गए, यानी 50 करोड़ रुपए में पार्लियामेंट की तज़ीनो आरइश की गई। लेकिन इसमें जो जुल्म हुआ है, जो ठेकेदार जो हैं इस्लामाबाद में कुछ रोते फिर रहे हैं, उनसे इन्होंने अपना हिस्सा तो वसूल कर लिया। अब 15 करोड़ रुपए जो मंजूर हुए थे वो फंड्स भी लैप्स हो गए, यानी इसी तरह वो वापस चले गए। लेकिन इन्होंने ठेकेदारों को कहा था कि जी 50 करोड़ रुपए तक आप काम करें, हम आपको ये मंजूर करवा के देंगे। इसी दौरान आमर अहमद अली साहब चले गए, नए चेयरमैन साहब आ गए, तो नए चेयरमैन साहब आ गए जाहिर है कि उनको तो मामलात को देखते हुए देर लगेगी, लेकिन इन्होंने ठेकेदारों से अपना हिस्सा भरपूर तरीके से वसूल किया और अब वो ठेकेदार जो हैं उनका कोई वाली वारस नहीं है। बेचारे रोते फिर रहे हैं कि हमसे काम करवा लिया गया, OIC कॉन्फ्रेंस के जो गैर मुल्की मंदूबीन आए थे यहाँ पे कॉन्फ्रेंस करके चले भी गए, वो अपने अपने घरों को चले गए, लेकिन इधर कई ठेकेदारों के घर उजाड़ दिए शाहजहाँ ने और अपना जहान जो है वो उन्होंने आबाद कर लिया। तो नाज़रीन, ये चूँकि इनको वजारत दाखिला में डिप्टी सेक्रेटरी थे तो इनको पता है वारदात कैसे करनी है, और बड़े यकीन माने आपको अंदाज़ा नहीं है कि इनकी दीदा दलेरी जो है वो किस लेवल तक जा चुकी है। कोई किसी को कुछ समझते नहीं, बल्कि देखें आप कि मेंबर ई जो है ये उनको बताते हैं कि ये मैं फाइल भेज रहा हूँ, ये आपने मंजूर करके भेजनी है। और नाज़रीन, दूसरी जो हमें इसके साथ ही जो जुड़वा स्टोरी है वो ये भी पता चला कि
इलेक्ट्रिक के कामों में भी 5 करोड़ रुपए के हवाई ठेके इन्होंने किए थे। हवाई ठेकों से मुराद ये है नाजरीन कि इसको ठेकेदारी जबान में फज सिस्टम ये कहते हैं, यानी ये फजी वारदातें जो हैं इनकी वो बहुत ज़्यादा मशहूर हैं। 5 करोड़ के इलेक्ट्रिक के शोबे में जो फजी ठेके हुए, फज करके इन्होंने, मतलब काम इसमें यह होता है कि काम नहीं होता लेकिन कागज़ों में फाइलों का पेट भर के फिर ये अपना कमीशन जो है वो ठेकेदारों को दागियाँ कर देते हैं। कुछ माल ठेकेदार रख लेते हैं, कुछ माल जो है जनाब अली शाहजहाँ जो हैं वो अपना जहान आबाद कर लेते हैं, और ये मुसलसल कर रहे हैं। और ये अपने ज़ाती दोस्तों को भी कहते हैं कि जब तक मैं सी डी ए में हूँ ना ठेकेदारों को कोई पकड़ सकता है और ना हमें कोई पकड़ सकता है, और हम दीदा दिलेरी के साथ करप्शन करेंगे। मैं जनाब चेयरमैन सी डी ए जनाब कैप्टन उस्मान साहब, मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि आप सिर्फ ओ आई सी में जो ये जो 15 करोड़ रुपए की पार्लियामेंट की तज़ीनों और ऐश का जो मामला था सिर्फ फाइल मंगवा के देख लें। अगर तो ये उनसे पूछें ये जिन्होंने ये काम किया कि 15 करोड़ रुपए इसके लिए मंजूर हुआ था, 15 करोड़ रुपए लैप्स हो गए वापस आ गए, तो क्या वहाँ पर जिन्नात ने काम किया है, वो ठेकेदारों ने काम किया है, उनके ये पैसे खा गए हैं। जनाब इज़्ज़त माब शाहजहाँ साहब और इनके जो साथी हैं मुनव्वर शाह साहब, वो रेलवे से आए, मैंने आपको बताया था। और नाजरीन ये सिलसिला यहीं तक नहीं है, फाटा हाउस की तज़ीन और ऐश का भी काम हुआ था, और ये फंड जो है 6 करोड़ रुपए वज़ारत दाखिला ने इसके लिए मंजूर किए थे, और उसमें भी मौसूफ शाहजहाँ ने अपने मनपसंद ठेकेदारों को ये ठेके दिए और भारी कमीशन लिया गया। जनाब चेयरमैन साहब, वो काम की नवीयत को, काम के मियार को आप देख लें, आपके बारे में ये कहा जाता है कि आप आला मियार का काम करवाने पर यकीन रखते हैं, और फिर इस बात पर भी आप यकीन रखते हैं कि कौमी दौलत को ना लूटा जाए, लेकिन एक शाहजहाँ जो है वो आपके काबू से बाहर है। वो शाह जो है वो वाकई सी डी ए का शाह बन गया है और अपना जहान आबाद कर रहा है। जनाब चेयरमैन सी डी ए साहब, अगर आपने इसका नोटिस ना लिया तो ये सारे का सारा मलबा आप पे आएगा, क्योंकि चेयरमैन तो आप हैं, कैप्टन तो आप हैं, इदारे के कैप्टन आप हैं, सरबराह आप हैं, तो कहा जाएगा। और मुझे तो ये भी मालूम हुआ है कि कई जगह पे मौसूफ ने मुबैना तौर पे ये भी फरमाया है कि हमने ऊपर तक हिस्सा देना होता है, तो ऊपर तो जनाब चेयरमैन साहब आप बैठे हुए हैं, इसको बुला के शाहजहाँ से पूछें कि आप डेपुटेशन पे आए हैं, तो डेपुटेशन में सी डी ए पे जो बंदा आता है डेपुटेशन में उसका मकसद ये होता है कि उसने दिहाड़ियाँ लगानी हैं, और दिहाड़ियाँ लगाने के बाद सी डी ए को कमज़ोर करने के बाद, सी डी ए को दीमक की तरह चाटने के बाद मौसूफ जो है वो वापस अपने महकमे में चले जाते हैं। और अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि इनका सफ़र जो है वो वजारत दाखिला से शुरू हुआ, फिर वहाँ से ये सैनिटेशन में, सैनिटेशन में इनकी बेशुमार वारदातों के सबूत पड़े हुए हैं। अगर चेयरमैन चाहें तो वो तो वैसे अपना शोभा सैनिटेशन वालों से कहें तो वो फाइलें आपको दे देंगे, वो आपको बता देंगे कि शाहजहाँ यहाँ पे जो हैं वो क्या खुरा छोड़ के गए हैं, वो सारे नशानात जो हैं आपको मिल जाएंगे कि सैनिटेशन में कितनी करप्शन हुई। फिर जनाब चेयरमैन साहब, अब इनकी नज़र जो है, क्योंकि इन्फोर्समेंट में इन्होंने लंबे लंबे काम डाले हैं, आपको तो ये मैंने पहले भी आपको कहा कि ये छोटे छोटे ऑपरेशन करके गरीबों के खिलाफ चीज़ें उठा के, रेड़ियाँ उठा के ये आपको बताते हैं कि शोभा इन्फोर्समेंट जो है वो बड़ा काम कर रहा है, लेकिन दूसरी तरफ ये कब्ज़े खुद करवा रहे हैं। मैंने आपको बताया कि कच्ची आबादियाँ जो हैं वो खुद रो बूटियों की तरह बढ़ रही हैं, और उसमें अब तक जो है, जो अब तक की इतलात हैं, आप अपना बंदा भेस बदल के वहाँ पर भेजें बंदे को, बल्कि खुद चले जाएँ, जाके पता करें, आपको मालूम होगा कि कच्ची आबादियों में 4 लाख रुपये मरला सी डी ए के ये इन्फोर्समेंट वाले जो हैं कब्ज़ा करवा रहे हैं। और फिर जनाब चेयरमैन सी डी ए साहब, इस शख्स का काम जो है वो आपके ने ड्यूटी लगाई है कि जो नजायज़ तजावजात हैं, जो तजावजात हुई हैं, प्लाजे हैं, कोठियां हैं, उनको सील करना, लेकिन इसने आपकी आंखों में धूल झोंक के ये भी इख्तियार ले लिया कि ये डी सील भी यही करेंगे। मौसूफ से ये तो बुला के पूछ लें कि अब इसने जो डी सील किए हैं वो किस कानून के तहत किए हैं, चूँकि ये कानून इसने अपना बनाया हुआ है। डी सील जब करता है जनाब अली उनको बता देता है कि जनाब ऊपर से बहुत दबाव है, और हफ्ते 10 दिन के बाद मुबैना तौर पे अपना हिस्सा वसूल करने के बाद उनको डी सील कर देता है, यानी इलीगैलिटी जो है, गैर कानूनी जो तामीर है वहीं पे रहती है, लेकिन शाहजहाँ जो है उसको जनाब अली डी सील कर देता है। और इसके सारे हरकत सकनात को आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपके इदारे को कमज़ोर करने में, आपके इदारे को दीमक की तरह चाटने में और करप्शन को फरोग देने में, ठेकेदारों की सरपरस्ती करने में। नाजरीन, मैंने आपको ये तो बताया और चेयरमैन सी डी ए को ये तो बताया कि मौसूफ जो हैं इन्होंने अपने ठेकेदार रखे हुए हैं, लेकिन जिनसे इन्होंने काम करवाया पार्लियामेंट हाउस का, उनके पैसे अभी तक अदा नहीं हुए, चूँकि वो 50 करोड़ रुपए का इन्होंने काम करवा लिया मुनव्वर शाह ने और इसने मिल के,
अब उन ठेकेदारों का कोई परेशान हाल नहीं है जिनसे इन्होंने काम करवाया, चूंकि उनसे इन्होंने पैसे, कुछ तो पैसे उधर लगवा दिए, कुछ इसे इन्होंने अपनी एडवांस में जो है अपना कमीशन वसूल कर लिया। अब अगर वहाँ पे काम हुआ है, फंड्स लैप्स हुए हैं, तो जनाब चेयरमैन साहब आपका ये काम बनता है कि आप चेक करें कि वहाँ पे कौन से मौकलात थे, कौन सी मखलूक थी जो वहाँ पे काम करके चली गई और फंड्स लगे नहीं, और इन्होंने किस खाते में ठेकेदारों से ये अपना हिस्सा वसूल किया। ये सारी जनाब चेयरमैन साहब आज नहीं तो कल ये सारी जिम्मेदारियाँ आप पे आएंगी। मौसूफ जो है वो 3 साल अपनी दिहाड़ियाँ लगाने के बाद, करप्शन करने के बाद वापस वजारत दाखिला में चले जाएंगे और सारी जो गंदगी जो है वो आपके नाम पे छोड़ जाएंगे। उम्मीद है कि आप इस सिलसिले में शाहजहां की बात पूछ करेंगे और उनसे पूछेंगे कि अगर आपने इसी तेज़ रफ्तारी से ये दिहाड़ियाँ लगानी है तो वापस वजारत दाखिला में चले जाएँ, और वजारत दाखिला में भी बैठ के, ये वजारत दाखिला में बैठ के कोई इनकी तश्कील जो है वो तबलीगी जमात की तरफ से नहीं हुई थी, वहाँ पे ये कोई नमाज रोज़े की तलकीन नहीं करते थे, वहाँ भी अपने ठेकेदारों के ज़रिए, अपने नेटवर्क के ज़रिए यही वारदातें करते थे। तो अब जनाब चेयरमैन साहब, हमने आपके सामने निशानदेही कर दिया और बाकी भी चीज़ें भी आपके सामने लाएंगे और आपको खोल के बताएँगे कि मौसूफ किस लेवल की करप्शन कर रहे हैं और कहाँ तक आपको बदनाम करते चले जा रहे हैं। शमशाद मांगड़ को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।